हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आ गई हूँ दिल्ली, और आज है संडे और मेरा है फास्ट। तीज के बाद जो संडे पड़ता है ना, वो हमारा फास्ट रहता है, उसे हम बड़का इतवार बोलते हैं। तो आज के दिन हमें एक बार ही खाना खाना रहता है, बस शाम को खाऊंगी मैं। हलवा पूड़ी सेवई पूड़ी कुछ भी बना सकते हो। और अभी मैंने बनाया है अपने लिए चाय, तो चाय पीऊंगी। और दिन भर पानी भी नहीं पीना रहता है, कुछ लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग पीते भी हैं। तो चाय मैंने बना लिया है और बना के मैंने इधर ही रखा है, वो देखिए। तो वो मैं पीऊँगी अभी, और चाय पीने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मायके वालों ने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया है। तो सबसे पहले तो आप लोग, ये वाला साड़ी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, तो इसके साथ मैंने लिया था ये रेडीमेड ब्लाउज। और बिना ट्राईपॉड का आज मेरा वीडियो बन रहा है, क्योंकि ट्राईपॉड मैंने छोड़ दिया है मायके में ही, तो ऐसे मैंने सेट किया है। पता नहीं वीडियो कैसा आएगा और आवाज़ आ रही है कि नहीं, थोड़ा दूर सेट है। और ये ब्लाउज मैंने लिया था रेडीमेड, इसके लिए इसका ब्लाउज पीस है, पर मैंने सिलवाया नहीं। मैंने वहाँ जाके दो ब्लाउज स्टिच करवाए, दो नहीं तीन करवाए थे, हाँ तीन करवाए थे। तो एक मैंने बर्थडे के दिन पहना था, वो वाला ब्लाउज आप लोगों ने देखा होगा। और एक ये मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगवाया था, तो इसका इस साड़ी का रिव्यू मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो ये इस तरह का मैंने सिलवाया है। तो ये देखिए, यहाँ से ये ना पीछे हुक है, यहाँ से ऐसे ये खुल जाएगा, और ये अलग से लगाया गया है। और भी कट में है इसका गला जो है, वो भी कट है। और ये डोरी दिया गया है, क्योंकि आजकल के जो नेक होते हैं ना, वो थोड़े बड़े होते हैं, तो इससे सही रहता है लूज या टाइट करने का। और हैंड में मैंने ऐसे कट दिलवाया है, बर्फी कट है ये दोनों साइड में। और आगे से ये बॉटनेक है, बॉटनेक का मुझे सिलवाना था बहुत दिन से, तो मैंने तीन ब्लाउज वहां ले जाकर टाटा में तीन मैंने सिलवाया है बॉटनेक। और एक है, एक तो आप लोगों ने देख ही लिया है, एक ये है। मुझे कॉलर वाले बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो सूट हो चाहे वो ब्लाउज हो। तो ये है कॉलर वाला, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे रहेगा। तो कभी मैं पहनूंगी तो आप लोग अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और इसमें भी मैंने हाथ में कट दिलवाया है, ये ऐसा है। यहाँ पर एक छोटा सा फूल टाइप में है, डिजाइन बनाया गया है। और ये भी बॉटनेक नहीं है, ये तो मैंने इसे कॉलर दिलवा दिया है। और पीछे से मैं दिखाती हूँ इसको, पीछे से देखिए ऐसा है ये। और ये भी पीछे हुक ही है, बैक हुक ही है, तो अच्छा लग रहा है ना डिजाइन, ये देखिए। और आगे से ये कॉलर है, पता नहीं मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है। मुझे ना आने आने के टाइम मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया था और गला बैठ गया था, तो मैंने तीन चार दिन यहाँ वीडियो ही नहीं बनाया। अब थोड़ा सा मुझे अपना गला ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैं सोचा दिखा देती हूँ सामान आप लोगों को। दिखाती हूँ मैं पीयू के कपड़े। तो ये है लाइट पिंक में है, पिंक भी नहीं है ये, पिंकिश नहीं है ये, अलग ही कलर है। तो ये बहुत प्यारा कलर है। तो ये अंदर का टॉप है, और उसके ऊपर से ये ब्लेजर टाइप में है, और इसके नीचे है ये पैंट। तो ये कपड़ा दिया है पीहू के मासी ने इसे, और पीहू गई थी अपने मामा के साथ शॉपिंग करने, तो ये दो ड्रेस खरीद के लाई थी उनके साथ जाके। तो ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम। और ये दोनों एक ही दुकान से आए हैं, और ये ऊपर से है, वो अंदर आएगा, ये ऊपर आएगा। और ये है इसका पैंट। इस बार ना थोड़े बड़े कपड़े लिए गए हैं, क्योंकि इनका जो कपड़ा है वो वन ईयर भी ये नहीं पहन पाते हैं और इनका छोटा हो जाता है, तो इसलिए स्पेशली थोड़े बड़े बड़े कपड़े लाए गए हैं। और पीहू को बहुत मन था फ्रॉक पहनने का, फ्रॉक लूंगी, तो फिर इसने ये फ्रॉक खरीदाया है। तो ये जो कलर आया है वही है, थोड़ा लाइट डार्क का प्रॉब्लम आता होगा, पता नहीं धूप लग रहा है। और ये उसके ऊपर से है,
और ये है नीचे का लेगी टाइप में, पैंट टाइप में। ये हो गया पीहू का। और प्रिंस गया था बर्थडे से, आप लोगों ने देखा था वो वीडियो, तो मैंने कपड़ा नहीं शेयर किया था, वो जाकर लेके आया था। तो बर्थडे के दिन उसने पहना है, जब हम सुबह मंदिर गए हैं वो वाला उसने खरीदाया था, तो वो वह पहन रहा है। तो ट्रैक सूट उसने पहना हुआ है और टी शर्ट उसका सूख रहा है जो उसके मामा ने दिया है, और ये उसकी बड़ी नानी ने दिया है। तो ये टी शर्ट है और ये है उसका जींस, ये है जींस, ये इसकी बड़ी नानी ने दिया है और मम्मी ने दिया, और मुझे बड़ी मम्मी ने दिया था जो कपड़ा, वो आप लोगों ने देख लिया, मैं वही पहन के आई थी। और मेरी बहन ने जाकर मेरे लिए वो सूट खरीद के लाया था। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरा ट्रैवल वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मेरी मम्मी ने अचार दिया है, तो ये रहे, और बाकायदे पैक करके दिया था ताकि ये ऑयल जो है गिरे ना। और ये है एक अचार, तो इसका देख रहे हो, पीहू ने इसका पैकेजिंग खोल दिया है क्योंकि इसमें है आम का अचार और पीहू को आम का अचार बहुत पसंद है। तो आम का अचार है, कटहल का अचार है और मिर्च का अचार है। ये वाली क्लिप मैंने मायके से जिस दिन आ रहे थे हम, उस दिन ही मेरा भाई सारा लेकर आया था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो आते वक्त तो आधा ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये वाली क्लिप ना इसके साथ ही ऐड कर दी। तो देख सकते हो इसमें चकली है, नमकीन है, रोस्केट है, बेसन वाली सेवई है, शेव है, और आलू के चिप्स थे, आम पापड़ थे। तो ये दोनों पैकेट मेरे भाई ने पैक करवा कर लाया था, और बच्चों के लिए अलग से प्रिंस के पसंद का बूंदी का लड्डू और पीहू के पसंद का था गुलाब जामुन। तो ये सारा चीज़ उसने भर के दिया था खाने के लिए, जिसमें से कुछ तो ट्रेन में बच्चों ने खाया था और कुछ अभी तक इनका चल रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और गुलाब जामुन खा लीजिए आप लोग भी। बाय।